वैसे नंबर 12 ओके। अच्छा द 12 आवर कंपनी पावर सम ऑफ इट्स मशीनरी बाय गैस, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू द डेट 30 जून ईच ईयर। ऑन जुलाई 1, 2005 देयर वाज एक्चुअल ब्रॉट डाउन इन द गैस अकाउंट ऑफ 650। अभी एक्चुअल्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया, जिसके बाद में बिल्स वर एज फॉलोज। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं 650, और ये गैस एक्सपेंस का अकाउंट बन जाएगा। एक्रूअल्स है, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा 650, जिसके बाद में द बिल्स वर एज फॉलो। पहला बिल कब आ रहा है? 15 सितंबर को 1200 का बिल है फॉर क्वार्टर एंडेड 31 अगस्त। ये 15 सितंबर को बिल पे किया हमने। डेट का बिल है, इसके बाद और 3 दिसंबर को बिल पे किया 1750 का, 1750। इसके बाद 18 मार्च को बिल पे कर रहे हैं 1695 का। फिर 14 जून को बिल पे किया हमने 1560 का। जब देखिए लास्ट बिल आया 14 जून को, और ये कब तक का है? 31 मई, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मई। 31 मई तक का बिल हमने पे कर दिया, और इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ है? जून में ईयर एंड हो रहा है, 30 जून, और यहाँ नीचे भी डेट दी हुई है 30 जून है ना, और लास्ट बिल हमने पे किया है 31 मई तक का। तो आपका जून का बिल क्या होगा? एक्रीड हो जाएगा, अनपेड हो गया ना, क्योंकि लास्ट बिल आया है 14 जून को, जो कि 31 मई तक का बिल है। अब जो नेक्स्ट बिल होगा वो होगा जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीनों का बिल आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईयर एंड तक की, तो 30 जून पे जून का जो बिल होगा वो आपका अनपेड होगा, एक्रीड हो जाएगा, 1 महीने का बिल हमारा एक्रीड होगा। ठीक, अब यहां से अमाउंट खैर दे दिया है 30 जून, रीडिंग वॉज टेकन ऑफ गैस मीटर एंड एस्टिमेट चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जून वॉज कंप्यूटेड एट 480। तो ये जून के हमारे एक्रूवल्स हो गए, ये एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और एक्रूवल्स का क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड, डेबिट हो गए क्रेडिट। अब इसका डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6685। इसमें से ये 650 माइनस करें, तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिससे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जो एक्रूवल्स हैं कैरेट डाउन, ये नेक्स्ट ईयर का कट डाउन हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कॉपी कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें जूलिया द सोल ट्रेडर हु हैज बीन इन बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, एट 1 मार्च 2008 शी हैज एंड शी हैड एन एक्रूवल ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 1200। अभी एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें अकाउंट कौन सा बनेगा? रेंट का, रेंट एक्सपेंस। ये एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस है, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ना मार्च 1। अभी तो हम डेट वाइज लिख, ये एक्रूअल्स का ओपनिंग आ गया, क्रेडिट पे कितने? 1200। ठीक है, एक्रूअल्स, जिसके बाद है रेंट इज पेड एज फॉलो। पहली पेमेंट हो रही है 7 अप्रैल को 1500, मार्च तक हमने रेंट पे कर रहे हैं। अप्रैल 7 हमने पे किया 1500, डेबिट हो गए।
करंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाए। सेकंड पेमेंट कर रहे हैं 9 जुलाई को, 1950 जुलाई 9 1950 पे किए डेबिट। थर्ड पेमेंट है 6 अक्टूबर को, 2250 पे कर रहे हैं, अक्टूबर 6 एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट पेमेंट है 9 जनवरी को, 1650 पे किए जनवरी 9 1650। तो देखिए लास्ट रेंट हमने पे किया है जनवरी 9 को फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31। देखिए 31 दिसंबर तक का रेंट 9 जनवरी को पे कर दिया। अब इसका ईयर एंड कब हो रहा है? अच्छा यहाँ पे इसने दिया है प्रिपेयर रेंट अकाउंट शोइंग द रेंट एक्सपेंस टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द ईयर एंडेड 28 फेब। ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को और रेंट हमने लास्ट रेंट हमने पे किया है 31 दिसंबर तक। तो जनवरी फरवरी 2 महीने का रेंट नहीं पे किया, अनपेड है, एक्रीड हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में 12th में तो एक्रूवल का उसने अमाउंट दे दिया था 480। अब यहाँ एक्रूवल्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ, तब हमें एक्रूवल्स कैलकुलेट करना होंगे। अभी हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? अब हम जो लास्ट बिल है लास्ट बिल की बेस पर जनवरी फरवरी का एक्रूवल्स कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट रेंट हमने पे किया है कितना? 1650। 1650 से हम नेक्स्ट 2 मंथ का 2 मंथ के एक्रूवल्स कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आ रहे हैं तो ये जनवरी फरवरी के एक्रूवल्स हो जाएंगे, एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ गया। और ये इसका बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 528 कैरेट डाउन 700। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अभी पॉइंट याद रखिएगा एक्रूवल्स का अमाउंट गिवन नहीं है तो वो हम लास्ट बिल के बेस पे कैलकुलेट करें। टोटल हो जाएगा 8450। 50 माइनस करें 1200, 7250 बैलेंसिंग फिगर, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जिसे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये कैरी डाउन है जो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस चार्ज होंगे 7250 और बैलेंस शीट में एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे 1100 एज अ लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन में जेम्स बैलेंस दिसंबर ईयर एंड प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंस हेडिंग्स एंड कैलकुलेट एनुअल चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। इंश्योरेंस और रेंट, अब इसमें दो टी अकाउंट बनेंगे, एक इंश्योरेंस का दूसरा रेंट का। वन बाय वन बना लेते हैं। पहला इंश्योरेंस, एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें क्या है? ओपनिंग प्री पेमेंट्स है। तो अब ये प्री पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। प्री पेमेंट के नेचर क्या है? एसेट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस बीडी 3672। जिसके बाद ये क्लोथिंग प्री पेमेंट है इज 4107। क्लोथिंग बैलेंस आ गया लेकिन इनवॉइस टोटलिंग 7925 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर। ये आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी, डेबिट पे लिख लेते हैं 7925। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 11597। इसमें से कैरी डाउन माइनस करें, बैलेंसिंग फिगर बताएं कितनी आ रही है। -4107, ये 7490। तो ये होंगे हमारे करंट ईयर के इंश्योरेंस एक्सपेंस और ये जो कैरी डाउन है ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा जाके डेबिट पे।
इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे 7,490 और बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी 4,107। सेकेंड अकाउंट है इसमें रेंट का, भी बना लेते हैं, बाद में कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। रेंट एक्सपेंस, इसमें रेंट में क्या है, ओपनिंग प्री पेमेंट, यहाँ भी ओपनिंग प्री पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा 3,908। प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 2,798, 2,798। नेक्स्ट इनवॉइस टोटलिंग 19,540 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर 14,000, 19,540 पेमेंट हो जाएंगी डेबिट साइड पे। अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है 23,048, जैसे ये माइनस करते हैं 2,798, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास माइनस 2,798, 20,650, 20,650 हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस, जो कि हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरी डाउन है ये, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा। बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड होगा 2,798। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन सिमनल पेज इंश्योरेंस ऑन एस फैक्ट्री एंड दिस इज पेड इन एडवांस, तब इसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, दिया है तो ओपनिंग बैलेंस इसमें कोई नहीं है ना, सो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स ड्यूरिंग 2,001 फॉर द इंश्योरेंस वर एस फॉलो। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस इसमें नील है, फर्स्ट पेमेंट हो रही है जनवरी को फॉर 3 मंथ्स टू मार्च 31, तो फर्स्ट पेमेंट हो रही है मार्च 1, 800 एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। सेकंड पेमेंट हो रही है 20 मार्च को पे कर रहा है 1,800, मार्च 28, 1,800 डेबिट हो गए। थर्ड पेमेंट है 2 अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स, ये ठीक है जी, अक्टूबर 2, 1,800 पे कर दिया। ओके जी, अब देखें, तो देखें लास्ट बिल उसने पे किया है, इंश्योरेंस पे कर रहा है 2 अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च, तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ईयर एंड कब हो रहे हैं, दिसंबर 31, और इंश्योरेंस पे किया उसने 31 मार्च तक का, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीपेड होगा ना। 3 मंथ्स के प्रीपेड कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस ये 1,800 इंटू 3/6 होगा, क्योंकि 6 मंथ का पेमेंट की थी ना, 900 हो जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये बनेगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, कैरी डाउन 900 हो जाएगा। अब बैलेंस टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,400, 900 माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,500, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो कैरी डाउन, ये नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा 9। क्लियर, इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 31 दिसंबर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शो द एक्यूट रेंट पेबल ऑफ 250। रेंट पेबल, इसमें एक रेंट का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। रेंट पेबल मींस एक्यूट हो गया ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड, अमाउंट कितना है
15। इसके बाद है ड्यूरिंग 2002 द कंपनी पेस रेंट बिल्स ऑफ बिल्स टोटलिंग 1275। टोटल पेमेंट्स हो गई डेबिट 1275 इंक्लूडिंग वन बिल फॉर 375 रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग 31 जनवरी 2003। तो इट मीन्स ये जो हमने पेमेंट की है 1275 की, ये कब तक की है? 31 जनवरी तक की पेमेंट। अच्छा, व्हाट इज द इनकम स्टेटमेंट चार्ज फॉर रेंट पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर? ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, और रेंट हमने पे किया है कब तक का? 31 जनवरी तक का रेंट पे कर दिया है, और ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, और रेंट हमने पे किया है जनवरी तक, तो एक महीने का प्रीपेड हो जाएगा ना। एक महीने की प्रीपेड कैलकुलेट करते हैं, एक महीने का रेंट प्रीपेड होगा। प्रीपेड रेंट लास्ट बिल कितने का? 375 का। वन मंथ के लिए आप क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई, तो ये प्रीपेड आपका आ जाएगा रेंट 125। ये प्री पेमेंट का हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और प्री पेमेंट का क्लोजिंग आएगा क्रेडिट साइड पर 125। अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 1275। 1275 में से 125 और 250 माइनस करें तो बैलेंस फिगर आएगी 900। ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जो कि हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो कैरी डाउन है ये नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा 125। ओके।